हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि मतलब किस तरह से कैर का अचार या टेंटी का अचार डाला जाता है, जिसे कैर भी कहते हैं, टेंटी भी कहते हैं। इसमें सारी साइज की टेंटी हैं, छोटी, बड़ी, मीडियम, मतलब सब तरह की है। हमने इसको चल्ले से, मतलब चल्ले होते हैं बड़े बड़े, इनको निकालने के, छोटी बारीक वाली अलग करने के। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने कैर को या टेंटी को, एक मटकी होती है, उस मटकी में इनको भिगोने के लिए डाल दिया, पानी लिया, उस पानी में हमने इनको डाल दिया। और इनको डालने के बाद उसमें हमने हल्दी डाली और नमक डाली। हल्दी और नमक मतलब इतना डालना है कि इनका जो कड़वी होती है ना, वो कड़वाहट होता है, वो कड़वाहट इनका ख़त्म हो जाए। तो हमने इसमें हल्दी और नमक डाल के इनको कम से कम 15 दिन तक इनको भीगे रखना है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो, फिर हमने इनको धोया। धोने के बाद इनको हमने अब सुखाने के लिए इस पर छत पर एक दुपट्टे के ऊपर इनको सुखाने के लिए डाल दिया। आप देख सकते हो मतलब ये सूख रही हैं। इसमें छोटी बड़ी सब साइज की टेंटियां हैं। और हम आज आपको बताएंगे कि किस तरह आगे मतलब क्या प्रक्रिया है, टेंटी का अचार मतलब किस तरीके से डलेगा। अब ये यहाँ पर सूख रही हैं और आप देख सकते हो इनमें मतलब हल्दी का कलर भी इसमें छड़ गया है। और आज हम आपको पूरा बताएंगे कि किस तरह से कैर का अचार बनाया जाता है। अगर आपने कभी नहीं बनाया हो तो आज हम आपको पूरी प्रक्रिया बताएंगे। और हमने साथ ही साथ आप और ये हमने मेथी है, मेथी को भिगोया, हल्दी डाली, नमक डाली, ताकि ये ठीक से और येलो हो जाए। अब हमने इसको सुखाने के लिए छत पर सुखा दिया है। ये यहाँ पर टेंटी सूख रही हैं, उधर वो मेथी देख सकते हो, इसमें बारीक मिक्स हैं सारी की सारी। तो आगे चलते हैं। हमने भगोने में तेल गरम किया, उसमें जीरा डाला, गरम मसाले डाले, और उसके बाद हमने मेथी को क्या है, इसको में मेथी को सेक लेंगे, ताकि मेथी का भी कड़वाहट होता है वो कड़वाहट ख़त्म हो जाए, जो पानी वगैरह होता है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हमने इसको बनाने के लिए तेल में सौंफ डाल रहे हैं हम। इसमें सौंफ, लाल मिर्ची और गरम मसाले, कलौंजी, जो भी सारे गरम मसाले हैं हमने वो पहले डाल दिए हैं। और अब हम इनको मिला लेते हैं, देख सकते हो मतलब इसमें हम अब इसको मिला रहे हैं। इसमें ठीक से लाल मिर्ची वगैरह, अच्छे से लाल मिर्ची डाल देनी है, मतलब सब तरीके से इसमें सारे सारे गरम मसाले डालने के बाद हम इसको एक टप में बनाने के लिए मिलाते हैं मसालों को। फिर उसके बाद देख सकते हो ये हमने बाल्टियों में इनको अचार को भर दिया है। अब आपको हम खोल के दिखाते हैं कि मतलब किस तरह, देख सकते हो आप, ये इसमें ऊपर सौंप है, सौंप ऊपर है, इसके अंदर अंदर टेंटियां हैं। मतलब कितना, देखो डिब्बे पे देखो कितनी चमक आई है, मतलब बिल्कुल आप सोच भी नहीं सकते इतना अच्छा चमक आई है डिब्बे के ऊपर। अब ये हम इसको कम से कम इसको 10 दिन तक हमें इसको रखे रहना है, ताकि ये नमक तो इन्होंने पहले पी लिया है, अब मिर्ची, गरम मसाले और उनका जो स्वाद है ना वो पूरा पी लें। अब इसमें हमसे एक टेंटी निकालते हैं, देख सकते हो आप टेंटी, ये टेंटी मतलब बारीक टेंटी है, इसमें बारीक मोटी सब साइज़ की टेंटी है। 10 दिन तक जब ये मिर्ची और गरम मसालों के स्वाद को बिल्कुल एकदम पी लेंगे अंदर, तब इनका क्या स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएगा। अब इसमें से दिखाते हैं दूसरी बाल्टी में, देख सकते हो ये अंदर इसमें टेंटियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ऊपर सौंप है, कलौंजी वगैरह, इसमें सारे मतलब सब कुछ गर्म मसाले डाल। आप भी इस तरीके से घर बैठे एकदम कैर और टेंटी का अचार डाल सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे शेयर करें।